पाकिस्तान में सिखों की भावनाओं से खिलवाड़ का गंभीर मामला सामने आया है। सिखों के पवित्र स्थल करतारपुर साहिब परिसर में नॉनवेज और शराब की पार्टियों के आयोजन का आरोप लगा है। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत के बाद सिख समुदाय में भारी गुस्सा है। आइए जानते हैं क्या है ये पूरी घटना। नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं वाइब्स ऑफ इंडिया। पाकिस्तान में फिर से धार्मिक स्थलों के अपमान की घटना सामने आई है। सुरक्षा एजेंसियों के एक करीबी सूत्र ने दावा किया कि दरबार साहिब परिसर में 3 घंटे तक चलने वाली पार्टी रात 8 बजे शुरू हुई, जिसमें शराब और मांस भी परोसा जाता था। गानों पर डांस भी किया गया। पार्टी में नरोवाल जिला पुलिस कमिश्नर मोहम्मद शाहरुख और सिख समुदाय के कुछ लोग समेत कुल 80 लोग शामिल हुए। इस जघन्य कृत्य को लेकर पाकिस्तान के सिख समुदाय में काफ़ी गुस्सा और आक्रोश है। भाजपा नेता और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने करतारपुर गुरुद्वारा प्रशासन पर करतारपुर साहिब परिसर में नृत्य और नॉनवेज पार्टियां आयोजित करके मंदिर को अपवित्र करने का आरोप लगाया है। यह भी आरोप लगाया गया है कि पार्टी का आयोजन करतारपुर साहिब कॉरिडोर के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के CEO सैयद अबू बकर कुरैशी ने किया था। पार्टी का आयोजन 18 नवंबर को गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब परिसर में किया गया था। इस पार्टी के कथित वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जिसके बाद सिख समुदाय में गुस्सा देखा जा रहा है। घटना की निंदा करते हुए सिरसा ने आरोप लगाया कि डांस पार्टी के दौरान पवित्र परिसर में मांस खाया गया और शराब परोसी गई। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में सिरसा ने पाकिस्तान सरकार से दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने को कहा। सिरसा ने कहा, मैं गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के पवित्र परिसर के अपमान की कड़ी निंदा करता हूँ। निराशाजनक बात यह है कि इसमें करतारपुर गुरुद्वारा कमेटी का प्रशासन भी शामिल था। भारतीय सुरक्षा एजेंसी के एक सूत्र ने कहा कि पार्टी श्री दरबार साहिब के दर्शन देवारी से 20 फीट की दूरी पर 3 घंटे तक चली। पार्टी रात 8 बजे शुरू हुई। नरोवाल जिला पुलिस अधिकारी मोहम्मद शाहरुख और करतारपुर गुरुद्वारा के मुख्य ग्रंथी ज्ञानी गोविंद सिंह सहित विभिन्न समुदाय के 80 से अधिक लोगों ने भाग लिया। ट्विटर पर पार्टी के वीडियो से कुछ तस्वीरें पोस्ट करते हुए सिरसा ने कहा, पाकिस्तान सरकार से सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ पूर्ण और तत्काल कार्यवाही करने की अपील करता हूं। पाकिस्तान सरकार को अल्पसंख्यकों की आस्था को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। PMU करतारपुर कॉरिडोर के CEO सैयद अबू बकर कुरैशी द्वारा गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब परिसर में नॉनवेज पार्टी आयोजित करने से काफ़ी निराशा हुई है। दुनिया भर का सिख समुदाय उस पवित्र स्थान के इस अपमान से दुखी है। जहां गुरु नानक देव जी ने अंतिम सांस ली थी, मैं इस संबंध में पाकिस्तान सरकार से तत्काल जिम्मेदारी और कार्यवाही की मांग करता हूं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, पाकिस्तान की इस हरकत पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अधिक जानकारी के लिए देखते रहें वाइब्स ऑफ इंडिया।